पृथ्वी में जिस जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही है। कोई भी अनंत काल के लिए यहाँ पर नहीं रह सकता है। अपने जीवन काल को पूरी करने के बाद हर किसी को वापस लौटना है, क्योंकि मृत्यु ही शाश्वत सत्य है और इसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते हैं। लोगों को कहा जाता है कि कोई भी इंसान अमर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये शरीर अस्थाई है और इसे आखिर में मिट्टी में ही मिलना है। पर यह बात चिरंजीवियों के ऊपर लागू नहीं होता है। यह चिरंजीवी साधारण इंसान से ये बहुत ही ज्यादा खास और विशेष हैं। हमारे हिंदू धर्म में 7 ऐसे चिरंजीवियों के बारे में कहा गया है जो कि कभी नहीं मर सकते हैं। पुराणों में ये जिक्र मिलता है कि ये 7ों के 7ों चिरंजीवी कल युग के अंत तक इस संसार में जीवित रहेंगे। प्रभु हनुमान जी, इनके बारे में क्या कहूं? महाबली और अपूर्व साहस वह प्रभु श्री राम के सबसे प्यारे भक्त हनुमान को कौन नहीं जानता। संकट मोचन के नाम से भी प्रसिद्ध प्रभु हनुमान जी हिंदू धर्म के एक चिरंजीवी हैं। उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी की करुणा प्राप्त है। उनकी श्रद्धा और निष्ठा को देखते हुए प्रभु श्री राम जी ने उन्हें कई सारे वरदान दिए हैं। प्रभु हनुमान जी को हमेशा अनंत ऊर्जा का भी स्रोत माना गया है, इसलिए अक्सर उन्हें वीरता और ताकत का भी प्रतीक माना जाता है। उनके साहस और शक्ति से सभी परिचित हैं, इसलिए उनकी कहानी बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप भी प्रभु हनुमान जी के भक्त हैं? अगर हाँ तो जरूर ही बताइएगा। 2, महर्षि व्यास। प्राचीन सनातन धर्म के इतिहास में कई ऋषि और महर्षियों का उल्लेख मिलता है। पुराने समय में इनके द्वारा ही ग्रंथ और पुराणों का निर्माण होता था, इसलिए इनकी भूमिका हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा बताया गया है। वैसे महर्षि व्यास का नाम तो सबने सुना ही होगा। महर्षि व्यास ने ही महाभारत की रचना की थी। उनके ग्रंथ से इंसानों की पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक विवेक और सत्य के ज्ञान का प्रचार हो पाया। उनका धर्म के स्थापना में जो भूमिका है उसकी परिकल्पना करना हमारे लिए सोच से भी परे है। उनके इसी महत् कार्य के लिए वो त्रेता युग से द्वापर युग तथा कल युग के प्रारंभिक अवस्था को देखने में सक्षम हो पाए। वो महर्षि वशिष्ठ के पोते थे, उनके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। 3, परशुराम जी। हिंदू धर्म के 7 चिरंजीवियों के अंदर परशुराम जी भी आते हैं। इनके बारे में आप लोगों को पता होगा। उनको देवों के देव महादेव से वरदान के स्वरूप एक दिव्य परशु मिला था, जो कि एक अलौकिक तथा बलशाली अस्त्र था। परशुराम जी के परशु के सामने शायद ही कोई दूसरा अस्त्र असरदार हो पाता। हिंदू धर्म के अनुसार वो पहले ऐसे ब्राह्मण थे जो कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों के ही धर्मों को एक साथ पालन किया था। वैसे वो एक अजेय योद्धा थे। उन्होंने कई राजा और महाराजाओं को हराया है। माना जाता है कि वो आज भी महेंद्रगिरी के पर्वत में विराजमान है। हिंदू धर्म में आपको परशुराम जी कई ग्रंथों में वर्णित नजर आएंगे। 4, विभीषण। चौथे चिरंजीवी का नाम है विभीषण, जो कि रावण के भाई थे। रामायण में तो आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुना ही होगा। इन्होंने प्रभु की शरण ले ली थी जब रावण अधर्म कर रहा था, इसलिए इनके धर्मनिष्ठ गुण से प्रसन्न होकर प्रभु ने इन्हें दीर्घायु का वरदान दिया है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि मौलिक तौर पर विभीषण चिरंजीवी तो नहीं है, परंतु इन्हें लंबे समय तक जीने का वरदान मिला है। पुराणों के अनुसार विभीषण महायुग के अंत तक जीवित रहेंगे। 5, राजा बलि जी। महाराजा बलि 5वीं चिरंजीवी हैं। ये विरोचना के पुत्र हैं तथा प्रहलाद के पोते हैं। इनको 3 लोक का राजा भी कहा जाता है। जब प्रभु श्री विष्णु जी ने अपना वामन अवतार लिया था, तब उन्होंने राजा बलि को अमर होने का वरदान दिया था, इसलिए आज भी राजा बलि जिंदा है। माना जाता है कि प्रतिवर्ष ओणम के दिन ये पृथ्वी लोक पर आते हैं। इस वक्त वो पृथ्वी पर घूम घूम कर अपने प्रजा को देखते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं। 6, अश्वत्थामा। महाभारत युग में आप लोगों ने अवश्य ही अश्वत्थामा के बारे में सुना होगा। वो गुरु द्रोण के पुत्र तथा एक महान योद्धा थे। अश्वत्थामा को गुरु द्रोण ने महादेव से पाया था, इसलिए अश्वत्थामा को महादेव से काफी शक्ति भी प्राप्त थी। वो 11 रुद्र अवतार में से एक थे। माना जाता है कि कृपाचार्य और अश्वत्थामा ही 2 ऐसे योद्धा थे जो कि कुरुवंश की तरफ से महाभारत के अंत होने तक जीवित थे। हालांकि अश्वत्थामा अमर हैं,
परंतु प्रभु कृष्ण के श्राप के चलते वो न ही किसी के संपर्क आ सकते हैं और इसके अलावा उनके बदन के ऊपर ऐसे घाव भी हैं जो कि अनंत काल तक ठीक नहीं होंगे। 7. कृपाचार्य। गुरु कृपाचार्य कौरवों के ओर से लड़ने वाले एक महान योद्धा थे। उनकी बहन कृपिका गुरु द्रोण के साथ विवाह हुआ था, इसलिए वो अश्वत्थामा के मामा थे। माना जाता है कि वो दोनों कुरु और पांडु वंश के कुल गुरु थे। उन्होंने दोनों ही कुरु तथा पांडु वंश के राजकुमारों को शिक्षा प्रदान किया था। कहा जाता है कि वो एक बहुत ही असाधारण गुरु थे। उनके सामने सब एक समान थे। उन्होंने दोनों ही वंश के राजकुमारों को कई विद्या का ज्ञान भी दिया था। इसीलिए मुझे लगता है कि कल्कि की प्रारंभिक शिक्षा उनके द्वारा प्रदान की जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।